तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं इफ कंडीशंस एंड लूप की प्रोजेक्ट में। और हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे। कल की क्लास में हमने बताया था कि जो अलग अलग शीट का डेटा हो या एक फोल्डर में डेटा हो तो कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। इसी प्रोजेक्ट में हम थोड़ा सा ट्रिक करने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारा कोई कॉलम, हमारा जो डेटा है वो सही कॉलम में नहीं है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि फरवरी से स्टार्ट है, जनवरी बीच में है, और यहाँ मान लीजिए जून से स्टार्ट है और मान लीजिए यहाँ जनवरी के बाद जून है, तो अलग अलग हमारा ए है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपको एक प्रोजेक्ट भी देने वाला हूँ मैं आपको। इस बार दिसंबर जो है स्टार्टिंग में, लेकिन जब डेटा कलेक्ट होना होगा तो एक साथ यहाँ होगा, समझ गए सर? तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम मल्टीपल लूप लगाएंगे, कॉलम के हिसाब से हमें चलना होगा। तो मुरूस मानते क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एक कोड बनाया था जिसकी मदद से हमने डेटा को कलेक्ट किया था जी। अब इसके लिए चलिए एक अलग कोड हम आपके साथ बनाते हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको? जी जी, आपको समझ में आया कि नहीं सर? अतीश जी समझ में आया आपको? चलिए तो सबसे पहले तो यहाँ हम लूप देंगे शीट के हिसाब से कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to sheet.count या जो कल मैंने बताया था मेथड, उस मेथड को लेकर चल सकते हैं। फिलहाल मैं नॉर्मल मेथड लेता हूँ। ओके लेकिन मुझे ए हो गया हमारा। अब इसके अंदर हमें कॉलन देना है। कॉलन में हम यहां देंगे कि 4j इक्वल टू चले 1 2, कितने कॉलन है हमारे पास? 12 है, तो 12। लेकिन 1 2 नहीं, मैं यहां पे कर देता हूं j ही कर देता हूं, 2 से 13 कर देता हूं ताकि मुझे +1 वगैरह करने की जरूरत नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा यहां से स्टार्ट है, इसके पीछे नेम है। तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि कॉलन बाय कॉलन को मैच करे, कॉलम बाय कॉलम को मैच करे और फिर उसको कॉपी पेस्ट करे। बात समझे? हाँ जी। ठीक, उससे पहले मुझे डेटा शीट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में शीट डेटा, हो सकता है मैक्रो एनक्रिप्शन में कोई और शीट एक्टिवेट हो। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारा इस जनवरी जो है पुणे में किस किस कॉलम पे है? बात समझे? तो मैं यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं कि dim colon as a long integer, जो भी देना चाहते दे दीजिए। और फिर सी इक्वल टू मैं यहां एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? मैच। मैच में हमने बोला कि सेल्स में हमने बोला यहां पे वन रो एंड सी कॉलम, जे कॉलम, क्योंकि हमारा हेडिंग तो पहले नंबर पे है ना, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूं। और जे कॉलम तो वन बाय वन चलेगा क्योंकि ये मल्टीपल लूप चल रहा है। डॉट वैल्यू, और हमें मैच इसके अंदर करना है तो इसके इस वन बाय वन पे। तो इसका सीट फिक्स नहीं है कि सीट अलग अलग है, जिसके जगह पे हम आई दे देते हैं, 1 2 3 हो जाएगा। डॉट रेंज, और कॉलम पहले रो में है तो हम 1 by 1 कर देते हैं और यहां पे 0। तो उसका कॉलम नंबर जो है, कॉलम नंबर यहां सी पे आ जाएगा। ठीक है उस, हेलो सर, वो जे को पहले ऐसा करेगा कि जे की जो वैल्यू रहेगी उसको सी के कॉलम में जाके ढूंढेगा क्या वो? जी जी,
के इसमें ढूंढेगा, इस पे मतलब कि ए इस तरह का मैच चला देगा, यहाँ मैच फॉर्मूला इसको सिलेक्ट किया और पुणे में गया और पुणे में देख के बताया कि ये है कहाँ, फाइव नंबर पे है जी जी ठीक है समझ गया। हाँ जी अब मुझे इस जिस कॉलम का ढूंढना है उस कॉलम का यहाँ से लेकर नीचे का डेटा चाहिए जी। तो मैं यहाँ करता हूँ कि dim r as a also long। अच्छा सर ये लॉन्ग क्या होता है? लॉन्ग मतलब कि लंबा नंबर, बड़ा नंबर, इंटीजर 32,000 तक जाता है ठीक है ना, तो बड़ा डेटा हुआ इसलिए मैं लॉन्ग कर दिया। फिर r इक्वल टू मैं यहाँ करता हूँ कि यहाँ पे रेंज ए ए नहीं, अब यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत ये है, यहाँ पे छोटा सा दिक्कत क्या है, दिक्कत छोटा सा यहाँ पर ये है कि ए जो है सीट, एक मिनट मैं सीट को यहाँ रख देता हूँ कॉपी, अब सही रहेगा, और मुझे यहाँ सीट रेफरेंस देना पड़ेगा, तो मुझे यहां देना है शेप आई डॉट रेंज, इसका स्टार्टिंग जो है ए वन है, यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर, थोड़ा सा रेंज ए वन कॉमा शेप आई डॉट रेंज डॉट सेल्स होगा, डॉट सेल्स, सेल्स में अब रो नंबर हमें पता नहीं, तो यहाँ पे रो नंबर पता करने के लिए वापस सीट, क्योंकि जब हम सीट टू सीट वर्क करते हैं तो सीट दोनों हर जगह पे जितना भी रेंज देंगे सब पे सीट के रेफरेंस देना जरूरी है वरना वर्क नहीं करेगा। सेल्स, सेल्स में हमने यहाँ पे दे दिया 65,000 कॉमा सी डॉट एंड एक्सेल अप डॉट डॉट रो डॉट कॉपी, यहां देखिए ए रेंज स्टार्ट हुआ और हमने दिया स्टार्टिंग हमारा ए वन है, एंडिंग में हमने बोला कि हमारे पास एक मिनट यहाँ पे हमें कॉमा सी करना पड़ेगा, समझ में तो नहीं आया होगा सर आपको? जी नहीं, कुछ समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया ना? नहीं। तो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ डिम, इसमें आर हमारा है ना, इसमें आर दिया हुआ है ना सर? जी जी। तो मैं यहां करता हूं कि r इक्वल टू हमने ये जो हमने दिया हो ना सीट सेल्स 65,000 इस वाले लाइन को कॉपी कर लेता हूं, मुझे डेटा का लास्ट नंबर चाहिए, डेटा क्या चाहिए लास्ट नंबर, तो डेटा का तो लास्ट नंबर होगा वो यहां आ जाएगा, कौन से डेटा का, इसका। तो मान लीजिए कि सी ने बताया कि भाई दूसरा नंबर कॉलन है, ये जनवरी है ना, ये चौथा नंबर कॉलन है, तो हमने यहाँ पे बोला, यहाँ इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए ठीक है, हमने बोला कि भाई सेल आई मतलब सीट आई पे सीट वन पे जाए सेल 65,000 से सी मतलब कि चौथे नंबर कॉलन के ऊपर जाए और यहाँ मतलब कि इस वाले जो डेटा है हमारा इसका रो नंबर आर पे स्टोर कर दे, स्टोर हो गया आर पे जी, लाइन समझ में आ गया आपको? हाँ जी। अब मुझे इसको यहां से सेलेक्ट करके कॉपी करना है जी ठीक है, हाँ
तो हमने बोला कि सीट में, यहाँ पे हमने दिया रेंज, रेंज में अब मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा कि भाई डेटा स्टार्ट कहाँ से है। तो मैंने बोला कि रेंज सेल्स नियर सेल्स के नाम का सेल्स, सेल्स में दो नंबर रो एंड सी कॉलम, समझे? क्योंकि मुझे यहां से डेटा कॉपी करना है ना सर। और एंडिंग क्या है? तो एंडिंग में हमें वापस दिया सेल्स आर रो एंड सी कॉलम डॉट कॉपी। अब समझ आया सर आपको? सर एक बार समझा दीजिए। क्या समझ? मतलब सी और आर तो समझ में आ गया। अभी आपने कहा कि शीट आई, तो शीट आई जो भी है वन में जाएगा, उसके में सेल टू, सेल टू में मतलब सेल टू आ गया, सेल में रो नंबर दो और कॉलम नंबर सी जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है पता चला है मुझे, वो आ गया। हाँ तो स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग च्वाइस होगा और आर जो है हमें लास्ट वाला रो बता रहा है, कॉलम हमें सी पता ही है, तो यहाँ से आएगा और नीचे इस डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लेगा। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है कि हमने सेल्स यहाँ भी यूज किया है, सेल्स यहाँ भी यूज किया है, इन दोनों के आगे हमें सीट का रेफरेंस देना पड़ेगा, समझ गए? ये जरूरी है सर, आपको तो समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है सर। और उसके उसके बाद ये जाएगा हमारा सीट, यहाँ से रेंज, रेंज नहीं होगा सेल्स होगा, हाँ सेल्स इस पे भी, क्योंकि वापस इस पे आना है, रो नंबर 65,000 कॉलम नंबर जे डॉट एंड एक्सल आप डॉट ऑफसेट। ये कहाँ किस पे कर रहा हूँ काम मैं? डेटा पे, डेटा वाले सीट पे। अब इसको कॉपी करके डेटा वाले सीट पे आएगा और जिस कॉलम का डेटा वो कॉपी किया है उस कॉलम पे आएगा। ठीक है, और यहां पे पेस्ट एक्सटेंशन, और जाहिर सी बात है कि हमें इसके आगे सीट का रेफरेंस तो देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? डेटा में, बट हम भूल गए, हमारा नेम तो कॉपी होना है ना सर जी। बट नेम एक बार में एक ही, एक सीट पे एक ही कॉपी होना है ना सर, तो इसको इस फोर से बाहर रखेंगे। सर ऊपर सीट डॉट सिलेक्ट जो डेटा किया है उसकी जरूरत है फिर? जरूरत, इसकी जरूरत कब होगी? अगर ये नहीं करते हैं तो माइक्रो रन करने से पहले आपको डेटा सीट पे आना पड़ेगा किसी और से। अभी क्या है, किसी भी सीट पे माइक्रो रन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डेटा सीट पे आएगा। समझ गया ना? अब यहां हमें जाना है सीट आई के ऊपर, आई डॉट सेलेक्ट, और हमें अब यहाँ पे एक काम है कि मान यहाँ पे समझ लीजिए कि नेम भी तो आगे पीछे हो सकता है ना सर। yes, सर नेम भी तो आगे पीछे हो सकता है ना, तो मैं यहाँ दो से नहीं एक से 13 चला रहा हूं, तो नेम भी कॉपी पेस्ट कर दिया, हो गया। अब मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट अब बिल्कुल परफेक्ट है चलने के। अच्छा सर एक पूछने का था मेरे को सर। हाँ पूछिए। आप इस पे शीट डेटा सेल 65,000 डॉट कमा जे पे लिख रहे हो, तो ये हम लोग सेल्स क्यों लिख रहे हैं? हम लोग रेंज के लिए लिख सकते हैं सर। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास रो एंड कॉलम नंबर में है। हाँ ये तो 1 2 3 है ना, ABCD तो नहीं है ना जी, इसलिए अगर हम रेंज देते हैं तो हमें A1 V1 C1 देना पड़ेगा। अच्छा, और समझ में आया आप नहीं? अच्छा, तो उसका A1 C1 देना पड़ेगा, और जैसे हम लोग को वैल्यू डिफाइन हो चुकी है
इसकी वजह से हम लोग 65,000। जैसे ये फोर चल रहा है, हमें क्या करना है कि वन बाय वन कॉलम इस तरह से चलना है, वन अच्छा बाय वन, राइट। हाँ तो ये क्या कर रहा है कि जे अपना नंबर दे रहा है, तो जो जे जिस सिक्वेंस से चल रहा है ना, कॉलम उसी सिक्वेंस से है ना, हाँ तो जे को कॉलम नंबर मान लिया है। जी। अब इसे एक बार रन करने दीजिए, हो सकता है इसमें कोई एरर हो, फिर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। कॉपी सीसी रन परफेक्टली वर्क कर रहा है सर क्या? अब मैच कर लेते हैं, जैन 75 है तो सीट पहले सीट में जाता हूँ, जैन 75 है, बिल्कुल परफेक्ट है ना सर। अब दिल्ली में मेरा जैन 47 है, तो डेटा में देखिए मेरा 47 दिल्ली में, इसमें हम लोगों ने वो नहीं ऐड किया सर, लास्ट में जो शीट का नेम था ना वो अब हमने नहीं ऐड किया है, हमने बोला ना कुछ काम मुझे करने हैं, कुछ काम आपको करना है। हाँ सर वो तो कर लेंगे, कल वाला के मैक्रो कॉपी पेस्ट करेंगे। पहले बताइए ये प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं, थोड़ा एक कोड बताइए। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, अगर मैनुअली इसकी बात करें तो मैनुअली हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इस नेम को ले जा रहे हैं, पुणे में आ रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, मुझे यहाँ मिल गया, अब इसका डेटा हम कॉपी करेंगे और यहाँ जहां से हमने फाइंड किया उस पर पेस्ट करेंगे, मैनुअली नहीं करेंगे ना। सेम काम हम वीवी के थ्रू कर रहे हैं, बट जो फाइंडिंग वाला सिस्टम है हमने उसको मैच से ले लिया हुआ है, राइट। तो मैच क्या कर रहा है, फाइंड करके ना इस नेम को फाइंड करके बताता है कि पुणे वाले सीट में नेम किस पोजीशन पे है, तो क्या कौन से कॉलम नंबर पे है, जैसे वन है, इसने वन यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इस वन, हमें तो पता चले, हमें तो पता है कि डेटा स्टार्टिंग से है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डेटा खत्म कहाँ है जी। तो हमने बोला यहाँ पे सीट आई के सेल्स नेम तक की 65, अब मुझे ये भी नहीं पता कि कॉलम कौन सा हो सकता है, मैं यहाँ पे 1 2 3 6 नहीं कर सकता जी। हमने बोला कि जो कॉलम मैच ढूंढ के दे रहा है उस कॉलम के 65,000 पे जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, उसका रो नंबर पिक करो जी। और उसका रो नंबर पिक आ गया, तो मेरे पास ये पता चल गया कि मेरा डेटा किस कॉलम में है और मेरा डेटा लास्ट कहाँ गया है, तो स्टार्टिंग वन तो पता ही है जी। हमने यहाँ पे बोला कि भाई सीट के जाओ, रेंज के सीट में जाओ, सीट ए में सेल 2, A, हमें पता है कि डेटा स्टार्टिंग दूसरे नंबर होते हैं, क्योंकि हेडिंग नहीं लेना है हमें ना जी। और कॉलम सी हमारा पता बता रखा है, ये कॉलम सी इस कॉलम में डेटा है, तो वहां से स्टार्ट करें। और एंड हमारा एंड नंबर रो कहाँ पर है, आर पे है, हमने एंडिंग बताया, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था ना रेंज की क्लासेस में, कि हर डेटा का स्टार्टिंग होता है और एंडिंग होता है जी, वो ना सर। ये तो आपका कॉपी बताता हूँ, ये तो जो आपका है, ये जो रेंज हुआ, ये तो आपका हुआ स्टार्टिंग हुआ एंडिंग अल्फान्यूमेरिक है, बट मुझे इसी में अगर मान लीजिए 5 नंबर रो और 2 नंबर कॉलन है, तो मुझे इस पे सेल लगाना पड़ेगा ना सर। अच्छा सेल 5 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम स्टार्ट है, राइट। और यहाँ मेरा जो है एंड जो है हमारा 5 नंबर कॉलन और 3 नंबर 10 नंबर रो है, तो मुझे यहाँ पे सेल्स 5 नंबर रो एंड नहीं 5 नंबर 10 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलन। अब समझ आया सर जी, सेम चीज यहाँ हुआ, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये मिल रहा है इससे कि दूसरा नंबर रो एंड सी कॉलन, एंडिंग पॉइंट हमारा ए दे रहा है आर, क्योंकि आर यहाँ कैलकुलेट कर रहा है एंड वाला, कि भाई लास्ट वाला रो एंड सी कॉलम। लेकिन क्या है कि जो दो मल्टीपल शीट में, दो डिफरेंट डिफरेंट शीट में वर्क हो रहा है, इसलिए जहां जहां हमें रेंज का सेल्स का देना है वो सारी जगहों पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सीट का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो यही मैंने यहां भी शीट दिया हुआ है, हमने सेल लगाया तो यहां भी शीट दिया, यहां सेल लगा तो मैंने यहां भी शीट दिया। हाँ वो तो समझ में आया, शीट वाला। हाँ जी अब आप सबको समझ में आया, आतिश जी, नवीन जी एंड जाहिद जी? जी सर जी सर समझ में आ गया जी सर।
तो ये फाइल मैं आप लोगों को अभी भेज रहा हूँ। अब मुझे इसमें क्या करना है मैं समझाता हूँ आपको, मैं एक बार भेज देता हूँ। 30 पांडा और है आपका जाहिद, मोबिन नवीन जी है, दिया सर एमएस डॉट डालो। एमएस हाँ वो आ गया, पहला वाला ही है सर। ए हाँ बाय, एक कोड भी मैं डाल देता हूँ इसमें, कल वाली क्लास की भी कोड डली हुई है इसी फाइल में, उसी फाइल को मैंने कंटिन्यू किया है। अब मैं बताता हूँ इससे प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो जैसे कल बताया था कि इसके लास्ट में यहाँ सिटी नेम होना चाहिए पहला, ठीक है, सिटी नेम होना चाहिए जी। दूसरा कि इसमें सब में कॉल, यहाँ पे क्या है कॉलम का सीक्वेंस निकला हुआ है बट कॉलम है, अगर किसी डेटा में कॉलन नहीं हुआ तो आपका प्रॉब्लम करेगा। जैसे किसी डेटा में मान लीजिए अक्टूबर है ही नहीं, बात समझ में आया जी, तो उस केस में अक्टूबर वाला डेटा ब्लैंक होना चाहिए उस पर्टिकुलर सिटी का, फिर नीचे डेटा होना चाहिए जी। समझ में आया आपको जी। क्या करना है resume error next I think yeah if condition लगेगा उसमें। अब जो लगेगा आप लगाइए मुझे बताइए, क्योंकि इस पे मैंने कल जो है पढ़ाया, कल मैंने आपको नॉर्मली कॉपी करना सिखाया, हमने कल आपको फोल्डर से कॉपी करना सिखाया, आज हमने उसे बताया कि भाई मिसमैच है तो कैसे करेंगे, तो तीन चार चीजें मैंने बताई तो एक चीज तो आपकी बनती है सर, तभी तो पता चलेगा कि आपने सीखा क्या है। ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे को एक बार टाइम का कॉपी करने का थोड़ा बता दें क्या, एक कोड का टाइम मतलब एक सपोज एक सेल में मैं एक टाइम डालता हूँ, उस टाइम को मुझे दूसरे सीट में चाहिए पूरा, मतलब एक रेंज में पूरा एरिया में जब मैं कॉपी कर रहा हूँ उसका टाइम का जब मैं फॉर्मेट डाल रहा हूँ तो पूरा 12 AM डिफॉल्ट ले ले रहा है, जबकि मैं 2 PM एंट्री कर रहा हूँ दूसरे सीट में। जी आपने यहाँ पे डाला 2 PM, करेक्ट करेक्ट, अब इसको कॉपी करके किसी और सीट में आप पेस्ट करते हो, पेस्ट एज ए वैल्यू करते हो, पेस्ट करते हो, पेस्ट एज ए वैल्यू भी करके देखा था और गूगल मार के मैं ट्राई किया था फॉर्मेट वाला कंडीशन, सेलेक्ट डॉट फॉर्मेट आवर्स एंड mm ये करके, फिर भी नहीं हुआ, 12 आवर्स ले रहा है, 12 AM हो जा रहा है डिफॉल्ट। अभी आपके साथ पास है फाइल, हाँ फाइल तो ऑफिस वाले बट इसमें मैंने ट्राई में मैं सोचा कि आपसे कोड पूछ लूंगा तो हो जाएगा, कुछ नहीं आप जैसे आपने अगर कोई टाइम टाइम डाला हुआ है 2 PM आपने डाला, अब आपको अगर आपने कोड किया सुनिए तो आप जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या लोड करवा रहे हैं, कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं उसको, क्योंकि अगर अगर मैंने यहाँ P3 अगर मैंने यहाँ पे लिखा रेंज जी P3.copy, आपने ऐसे किया ओके यहाँ पे डबल हो गया और आप जा रहे हैं दूसरे किसी सीट पे, सीट मान लीजिए सीट नंबर 2 डॉट सिलेक्ट, पहले आपने सिलेक्ट किया जी, फिर आप रेंज A1 के ऊपर है, रेंज A1 तो A1 क्या कर रहे हैं, पेस्ट स्पेशल कर रहे हैं कि या फिर सीट और पेस्ट कर रहे हैं सर, पेस्ट स्पेशल ही किया था
बट हुआ नहीं। इस पे क्लिक किया, चलिए मैं करता हूँ, मैंने इसको रन किया, कहाँ दिक्कत है सर? वो फाइल रन हो रही थी मेरा, लेकिन अचानक से ये वाला कोड काम नहीं कर रहा है, पूरा नंबर्स में आ जा रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा उस फाइल को। सर वो मुझे एक बार फोटो खींचकर भेजिए, लिखता हूँ कोड, आपने क्या कोड लिखा है उसका फोटो खींच के भेजिए और कहाँ पे कैसा आ रहा है उसका फोटो खींच के भेजिए। जी 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 सुजीत सर, वो क्वेश्चन का क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन मैं एक बार कवर करूंगा, चिंता मत कीजिए सबके साथ। कुछ लोगों को इस समझ में आया, दोबारा मैं प्रोजेक्ट में ही समझा रहा हूँ ना सर, जैसे कल हमने बहुत सारे इफ यूज किया था, आज मैंने मल्टीपल लूप यूज किया है, ठीक है सर, ठीक है ना, ओके।